मुलाहजा फरमाएं, 92.7 बिग एफएम की शुरुआत कर रहा हूं अहमद फराज के एक शेर के साथ। न मंजिलों को न हम रह गुजर को देखते हैं, न मंजिलों को न हम रह गुजर को देखते हैं, अजब सफर है कि बस हम सफर को देखते हैं। इस शेर के मानिंद सुहाना सफर भी आप जैसे ख्वातीनों हजरात पसंद करते रहें, पुरलुत्फ नज़ारे लेते रहें, अपना सफर तय करते रहें, यही हमारी दुआएं हैं। हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि नए पुराने फिल्मी किस्सों और कहानियों के साथ नगमों की एक लड़ियां भी पेश करते रहें। आज के सुहाने सफर की पहली लड़ी, पहली माला का पहला किस्सा है कि एक हीरोइन पत्नी को अपने हीरो पति की हेल्प करने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुकदमा हुआ। दूसरा किस्सा है मेहंदी हसन के ख्वाब को कैसे पूरा किया लता मंगेशकर ने। रेगुलर सेगमेंट तुमने पुकारा हम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई रिपीट वैल्यू, और उसके बाद का किस्सा जब कबूतरों ने रुकवा दी सोनम कपूर की फिल्म की शूटिंग, और अंत में हमारे रांची के श्रोता जनाब शाकिर तस्लीम के सवाल का जवाब। मुंबई में लक्मे फैशन वीक में फैशन डिजाइनर तरुण ताहलियानी का फैशन शो हो रहा था, जिसमें शामिल थे अक्षय कुमार और देखने वालों में शामिल थी उनकी धर्मपत्नी ट्विंकल खन्ना भी। एक ड्रेस पहनी हुई थी हीरो पति ने, अक्षय कुमार ने, और अचानक जो जीन्स थी कि पैंट थी कि ट्राउजर था उसकी जिप में चेन में कुछ गड़बड़ी थी, जिससे अक्षय कुमार को रैंप पर चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, परेशानी हो रही थी। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी ट्विंकल से बोली तो ट्विंकल ने वहीं दर्शक दीर्घा में बैठकर जिप के बटन या जो भी कुछ था वो जिप ठीक कर दी। ट्विंकल खन्ना की इस हरकत पर हंगामा हो गया और इसे कुछ लोगों ने अश्लील आचरण, वल्गैरिटी माना, जबकि ट्विंकल खन्ना कहती रही कि एक पत्नी होने के नाते मैंने अपने पति की सहायता की थी, मगर कुछ नारी सुधार संगठनों ने उसका तर्क मानने से इनकार करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अरेस्ट के वारंट आ गए। 8 अप्रैल 2009 को वाकोला पुलिस स्टेशन में उसे सरेंडर करना पड़ा और लगभग 2 घंटे पुलिस स्टेशन में रहने के बाद उसे जमानत पर रिहा किया गया। मगर पब्लिक प्लेस में ट्विंकल को अपने पति की इस तरह मदद करने पर मानसिक यातना के साथ साथ पुलिस की यातना भी या जो कानून की कार्रवाई झेलनी पड़ी। मशहूर और मारूफ शहंशाह गजल मेहंदी हसन। मेहंदी हसन सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, मेहंदी हसन हम सब के हैं। उनकी गजलों का जो लुत्फ हम सब ने उठाया है वो उजागर है। लाखों करोड़ों फैन मेहंदी हसन के, और एक फैन लता मंगेशकर भी। जब लता मंगेशकर किंगस्टन में थी तब उनको मालूम हुआ कि टोरंटो में फरीदा खानम के शो में मेहंदी हसन भी आए हैं। हमारी नाइटेंगल लता मंगेशकर उनसे मिलने टोरंटो गई। जब मेहंदी हसन ने लता मंगेशकर को देखा तो हारमोनियम छोड़कर बहुत अदब और अखलाक के साथ उन्होंने लता मंगेशकर का इस्तकबाल किया। जब मेहंदी हसन भारत आए तो बीमार होने के बावजूद लता मंगेशकर के घर गए, उनके साथ खाना खाया, जबरदस्त फैन थी। मगर ये ग्रेट आर्टिस्ट मेहंदी हसन किसका फैन? लता मंगेशकर का फैन। मामूली फैन नहीं, बल्कि एक ख्वाब था, एक सपना था कि कोई गीत या गजल, कोई गाना लता मंगेशकर के साथ रिकॉर्ड करें। और उन्होंने अपने इस ख्वाब की बात मशहूर शायर फरहत शहजाद के साथ भी शेयर की। जब रिकॉर्डिंग की बात चलने लगी तब तक मेहंदी हसन की तबीयत इतनी खराब थी कि वो इंडिया आकर गाना अपनी फेवरेट लता मंगेशकर के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, और लता मंगेशकर के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो पाकिस्तान जा सके। इसलिए 2009 में फरहत शहजाद की गजल को पाकिस्तान में मेहंदी हसन की आवाज में रिकॉर्ड किया गया, फिर इसे मुंबई में लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया,
और 2010 में इन दोनों अजीम शान फनकारों का एकमात्र डुएट सॉन्ग सरहदें नाम के एल्बम में एचएमवी ने रिलीज किया। लता मंगेशकर की वजह से मेहंदी हसन का ख्वाब साकार तो हो गया, मगर अफसोस की बात ये कि मेहंदी हसन इस गीत को सुनने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। इस गीत के बोल थे, तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे है। और अब सेगमेंट हाजिर है जिसका नाम है तुमने पुकारा, हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। आज जान हथेली पे ले आए हुए आए हैं हमारे स्टूडियो में भोपाल के श्री राजीव तिवारी। राजीव भाई आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके स्टूडियो में हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, रोज आपको सुनता हूँ। अनु जी, मेरे मन में बड़ा प्रश्न उठता रहता है, मैंने कहा सार्वजनिक रूप से इसको मैं पूछूं आपसे। जी, प्रश्न ये है कि बहुत चर्चे सुनते हैं हीरो हीरोइंस के कि इसका अफेयर इसके साथ चला, इतने दिन चला, फिर टूट गया, फिर दूसरा आ गया। जी, पूरी इंडस्ट्री में ऐसी कोई हीरोइन है जिसका कि कभी कोई ता जिंदगी जब तक वो इंडस्ट्री में रही उसका कहीं इस तरीके का प्रेम प्रसंग ना चला हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है राजीव भाई। देखिए, आग और घी पास पास होंगे तो ज्वालाएं तो भड़कती हैं। यार क्या बात है, क्या बात है, जब हाथों में हाथ लेके और आलिंगन में एक दूसरे को भरना होता है तो कुछ ना कुछ तो होता है। जी, कुछ कुछ होता है। जी, कुछ कुछ होता है, और ये कुछ कुछ होना स्वाभाविक है। परंतु फिर भी आपने जो प्रश्न पूछा है कि हर हीरो का हीरोइन के साथ प्रेम प्रसंग की चर्चाएं सुनी, कुछ गलत थी कुछ सही थी, क्या आपने यही पूछा ना कि कोई ऐसी हीरोइन, कोई ऐसी हीरोइन बताइए जिसका कि कभी हम लोगों ने सुना ही ना हो। जी, किसका हीरो के साथ उसका चक्कर नहीं हुआ ना हो। एक ही हीरोइन है वो। कौन है? उसका नाम है सनी लियोनी। अरे आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए सनी लियोनी का आपने रोमांस की खबरें किसी हीरो के साथ सुनी हो? नहीं, मैंने तो बहन सनी लियोनी के बारे में कभी नहीं सुना। वाली बात है ना। अभिनेता जीवन एक फिल्म में खलनायक थे, फिल्म का नाम था जमाना। फिल्म में एक रेप सीन था जो जीवन और पद्मा पर पिक्चराइज होना था। डायरेक्टर राम दरियानी ने जीवन को समझाया कि तुमको इस सीन में खलनायकी के सारे दाव पेंच दिखाने हैं, इसलिए अच्छे से करना, रियल में जबरदस्ती करो। जीवन ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पद्मा से पूछ लीजिए। पद्मा जी से पूछा गया तो अंग्रेजी में जवाब मिला कि आई डोंट माइंड, आफ्टर ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट सीन। खैर साहब, शूटिंग शुरू हुई और जैसा डायरेक्टर साहब ने इंस्ट्रक्ट किया था, जबरदस्ती दिखाना है, तो जीवन पद्मा से जबरदस्ती की एक्टिंग करने लगे। लेकिन पद्मा के रिएक्शंस कुछ ऐसे थे मानो वो बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक सीन कर रही हूं। ये शॉकिंग था जीवन साहब के लिए। एक दो रीटेक नहीं बल्कि 10 बार रीटेक हुए और इस पूरे प्रक्रिया में जीवन साहब के पसीने छूट गए, तौबा करने लगे इस रेप के सीन से। आखिरकार जीवन के ही ज्यादा से ज्यादा क्लोजअप लेकर सेगमेंट पूरा किया गया। 2009 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने फिल्म दिल्ली 6 बनाई थी जिसमें अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर ने काम किया था। इस फिल्म के प्री क्लाइमेक्स में डायरेक्टर राकेश मेहरा को फिल्म की कंटिन्यूटी को लेकर कुछ परेशानी हो रही थी। उन्हें लगा कि एक गीत की दरकार है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग पुरानी दिल्ली के जिस घर पर हो रही थी वहां कबूतर बहुत थे। सो उन्होंने सोचा अगर कबूतर पर कोई गाना तैयार हो जाए तो फिल्म में ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन प्रसून जोशी से गीत लिखवाया, AR रहमान से कंपोज करवाया। जब पिक्चराइज करने का वक्त आया तो कबूतर मुसीबत बन गए, क्योंकि जिस दिल्ली वाले कबूतर थे वो कैमरा स्टार्ट होते ही उड़ जाते थे। बहुत कोशिश और एफर्ट्स के बाद कबूतर सोनम कपूर के सर पर बैठने को राजी नहीं थे, फौरन उड़ लेते थे। डायरेक्टर राकेश मेहरा ने यह परेशानी AR रहमान को बताई तो उसने मशवरा दिया, आसाम में ऐसे कबूतर हैं जो उड़ेंगे नहीं। फौरन आसाम से कबूतर मंगवाए गए। जब तक वो कबूतर नहीं आए गाने की शूटिंग रुकी रही, और आसाम से आए 12 कबूतरों का रोजाना का खर्चा 13,000 रुपए हुआ। तब जाकर एक गीत शूट किया गया। यह वो गीत था जो पहले स्क्रिप्ट में नहीं था। जब आया तो ये गीत ब्लॉकबस्टर हो गया और 2009 का सॉन्ग ऑफ द ईयर भी इसे माना गया।
गीत के बोल मसकली मसकली। रांची के शाकिर तस्लीम का सवाल है कि आमिर खान अवार्ड्स के जो प्रोग्राम है उनसे दूर क्यों रहते हैं। फिल्मी अवार्ड्स के बारे में तो बहुत से किस्से आपको सुना चुका हूं, और कुछ अवार्ड्स पर सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं, और कुछ अवार्ड बजाते खुद सवाल भी बन जाते हैं। आमिर खान क्यों नाराज हुए उसकी कुछ तफसील इस तरह से कि जिसकी वजह से उनकी नाराजी हुई। आमिर खान की नाराजी का सबब क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। आमिर खान ने 90 के दशक से खुद को इन अवार्ड से दूर कर लिया था। सुनो भाई क्यों दूर किया था, अंगूर खट्टे हो गए थे। 1989 में आमिर खान नॉमिनेट हुए बेस्ट एक्टर के लिए अपनी पहली फिल्म के लिए, कयामत से कयामत तक, मगर अवार्ड ले भागे अनिल कपूर फिल्म तेजाब के लिए। 1990 में आमिर खान को फिर नॉमिनेट किया गया राख फिल्म के लिए, अच्छा अवार्ड, अच्छा रोल था, मगर अवार्ड मिल गया जैकी श्रॉफ को परिंदा के लिए। 1991 में फिर नॉमिनेट हुआ फिल्म दिल के लिए, मगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया सनी देओल को घायल के लिए। 1992 में गरीब को फिर नॉमिनेट किया गया, फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं, मगर इस साल सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन ले उड़े फिल्म हम के लिए। 1993 में आमिर खान फिर नॉमिनेट हुए फिल्म जो जीता वो ही सिकंदर के लिए, मगर इस साल भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले भागे अनिल कपूर फिल्म बेटा के लिए। 1994 में फिर गरीब नॉमिनेट हुआ फिल्म का नाम हमेरा ही प्यार के, इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले भागे शाहरुख खान फिल्म बाजीगर के लिए। 1995 में बेचारे को फिर नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड ले गया नाना पाटेकर कांतिवीर के लिए, जबकि आमिर खान नॉमिनेट थे फिल्म अंदाज अपना अपना के लिए। 1996 में जब आमिर खान को यकीन था कि अवार्ड मिली जाएगा रंगीला के लिए, मगर फिर अवार्ड ले भागा शाहरुख खान फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे कब तक गरीब दुख सहेगा यार, कब तक मायूसी और निराश कब तक रहेगा गरीब। क्या भैया ये अवार्ड अवार्ड मेरे बस की बात नहीं है, मैं दूर हो जाता हूं उससे। जबकि 1997 में आमिर खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए, मगर वो लेने नहीं गए। 2002 में लगान के लिए और 2017 में फिल्म दंगल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मगर आमिर खान अवार्ड लेने नहीं गए, अच्छा किया। यद्यपि 2017 में आमिर खान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लेने बुलाया गया, 16 साल बाद वो गए क्योंकि लता मंगेशकर ने बुलाया था, ये अवार्ड जेन्युइन था। इससे पहले 2001 में ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी में भी वो गए थे। आमिर खान का कहना है कि मुझे अवार्ड्स के प्रोग्राम पर यकीन नहीं है इसलिए दूर रहता हूँ। आमिर ही नहीं, कंगना के बारे में भी सुना है कि वो दूर रहती है। समाज के बहुत सारे लोगों ने इन अवार्ड्स में कौन कौन लोगों के नाम शामिल होते हैं इसके ऊपर बहुत प्रतिक्रिया जाहिर की है, ईमानदारी के ऊपर, सिंसियरिटी जेन्युइननेस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उंगलियां उठी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होता भी है। मुझे उम्मीद है कि शाकिर तस्लीम साहब, रांची के और जितने भी हमारे ख्वातीनों हजरात हैं, वो जवाब से मुतमईन होंगे। उत्तर मैंने दिया है अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से, मैं दिल खोल के बात करता हूँ, जो भी संभव होता है वो सत्य आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर कोई बात बुरी लग जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।